मैसूर पैलेस, जिसे अंबा विलास पैलेस के नाम से भी जाना जाता है, कर्नाटक के मैसूर में स्थित एक ऐतिहासिक महल है। यह वडियार परिवार का निवास स्थान हुआ करता था। पहला महल 14वीं शताब्दी में बनाया गया था, जो 1896 में एक शादी के दौरान जलकर राख हो गया था। वर्तमान महल का निर्माण 1897 और 1912 के बीच किया गया था। महल की वास्तुकला इंडो-सारसेनिक है, जिसमें हिंदू, राजपूत, मुगल और गोथिक शैलियों का मिश्रण है। यह एक 3 मंजिला संरचना है, जिसमें संगमरमर के गुंबद है और इसमें 5 मंजिला टावर है। आगे बढ़ने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आप मेरे किसी भी नए वीडियो को मिस ना करें। महल में 3 प्रवेश द्वार है। सामने का द्वार या पूर्वी द्वार केवल दशहरा उत्सव के दौरान और VIP के लिए खोला जाता है। केंद्रीय मेहरब के ऊपर धन की देवी गजालक्ष्मी की मूर्ति है। मैसूर पैलेस के प्रमुख आकर्षणों में से एक इसका कल्याण मंडप है। यह मल्टी कलर बेल्जियन ग्लास छत के साथ एक विशाल अष्टकोणीय संरचना है। महल की छत पर मोर की आकृति बनी हुई है। पूरी छत स्कॉटलैंड में बनाई गई थी। गुंबद लोहे के खंभों द्वारा समर्थित है, जिसे ग्लासगो से लाया गया था। छत से लटकता हुआ एक झूमर है, जो मंडप के चारों ओर हरे लोहे के स्तंभों को पूरा करता है। हॉल का फर्श रंगीन मोजैक से बनाया गया है। दीवारें समान रूप से आकर्षक है। इस जगह का उपयोग शाही शादियों और विशेष अवसरों के लिए किया जाता था। कल्याण मंडप से थोड़ा आगे पोर्ट्रेट गैलरी है। पोर्ट्रेट गैलरी शाही परिवार की तस्वीरों और चित्रों से भरी हुई है। थोड़ा आगे एक बड़ा आंगन है। आंगन के प्रवेश द्वार पर 2 पीतल का बाग है। यहाँ महाराजा की पसंदीदा खेल कुश्ती का आयोजन किया जाता था। शीशम का दरवाजा शाही फर्नीचर से भरे कमरे में जाता है, जहाँ चांदी से बने कुर्सियां, हाथी दांत के बने दर्पण और नक्काशीदार टेबल प्रदर्शन पर हैं। थोड़ा आगे एक गोल्डन हौदा है। यह लकड़ी का हौदा 84 किलो सोने से ढका हुआ है, जो इसे प्रभावशाली बनाता है। आज भी दशहरा जुलूस के दौरान इसे हाथी पर चढ़ाया जाता है और देवी चामुंडेश्वरी इस पर सवारी करती है। जनता दरबार हॉल के प्रवेश द्वार से ठीक पहले कृष्णराज वाडियार 4 की एक मूर्ति है। जनता दरबार हॉल शाही मेहमानों और दरबारियों के लिए खूबसूरती से सजाया गया कमरा है। इसका उपयोग जनता के घोषणाओं और सुनवाई के लिए किया जाता था। मैसूर पैलेस का जनता दरबार हॉल खूबसूरती से डिजाइन किए गए हरे और सुनहरे स्तंभों द्वारा समर्थित है। महाराजा हॉल के केंद्र पर बैठते थे, ताकि उनकी प्रजा उन्हें स्पष्ट रूप से देख सके। दोनों ओर हरी बालकनी है, जहां मंत्री और गणमान्य व्यक्ति बैठते थे।
इस क्षेत्र की छत पर प्रभावशाली कलाकृतियां हैं। अगला प्राइवेट दरबार हॉल है, जिसे अंबा विलास पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। इस हॉल में ही राजा अपनी मंत्री परिषद से मिलते थे और महत्वपूर्ण व्यक्तियों के साथ बैठक करते थे। हॉल में नीले और सुनहरे खंभे हैं जो लोहे से बने हैं और ध्वनि को सोखने के लिए अंदर से खोखले हैं। इस हॉल में पहले एक स्वर्ण सिंहासन प्रदर्शित किया जाता था, जहां महाराजा बैठते थे। अंबा विलास पैलेस से निकास की ओर तीन दरवाजे हैं, उनमें से दो शीशम से बना हुआ है और बीच वाला चांदी का है। चांदी के दरवाजे पर विभिन्न हिंदू देवताओं की नक्काशी है। पूरे परिसर में 12 मंदिर हैं। इन मंदिरों में सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्मी रमन स्वामी मंदिर है। यह सबसे पुराना और सबसे पूजनीय मंदिर है। मैसूर पैलेस घूमने का सबसे अच्छा समय दशहरा का समय है, जब पूरे महल को खूबसूरती से सजाया जाता है और सुनहरी रोशनी से रोशन किया जाता है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे अभी सब्सक्राइब करें। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में।